वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा फीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले बात की जाए तो बाबर आजम जो है 24 नंबर से T20 पाकिस्तान कप स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें वो शमूलियत करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। एज़ कम्पेयर टू बात की जाए कि मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम सबसे दो खुशकिस्मत इंसान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बाबर आजम की कप्तानी से खुश होंगे वो मेरे ख्याल में अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर है। लेकिन वो टीवी पर बैठ के बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान कप जा रहा है वनडे का उसमें शिरकत नहीं की। इतने कौन से बड़े प्लेयर बन गया, क्या कमिटमेंट किया दिया है का एक तरह तो कहा जाता है टीम में आ जाए टीम में आ जाए। मैं बिल्कुल इसमें हक में था अमाद वसीम को टीम में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान कप जा रहा है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज दे के मुँह बंद करें। आप लीग PSL खेल के कहते हैं हम टीम में आ जाए, इस तरह तो नहीं होता। मोहम्मद आमिर को भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान टीम में वापस आने, अच्छी परफॉर्मेंस दें, फिर आप अपने परफॉर्मेंस से जवाब दें जो आप पर तनकीद करते हैं। लेकिन नहीं, बस टीवी पे बैठ के बातें करनी है। बाबर आजम अगर खेलेंगे, मुझे खबरें आ रही हैं नेशनल कप में, तो ये उनकी बहुत बड़ा पाना है। इतने बड़े प्लेयर हैं वो आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, ताकि वो अपनी जगह बरकरार रखी सके या जो कुछ हो सके एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है मोहम्मद आमिर अमाद वसीम के। तो इस तरह तो नहीं होता ना, ताली दोनों हाथों से बनती है। आप तनकीद कर रहे हैं एक तरफ से, आप तो एक दूसरी तरफ से आप बैठ के टीवी पे कप्पे मार रहे हैं। आप परफॉर्मेंस दें और टीम में वापस आएँ, ये तो नहीं बैठे बैठाए आप डायरेक्ट टीम में चले जाएँ। सिफारिशी सिस्टम तो पाकिस्तान में चलता है ना।